सीतामढ़ी जिले के कारगिल चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर जुर्माने के नाम पर अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। मेजरगंज के पोस्टमास्टर उपेंद्र कुमार सिंह ने एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया और उसका वीडियो बना लिया। यह घटना तब हुई जब उपेंद्र कुमार एक निजी काम से शहर के कारगिल चौक पर आए थे और वाहन जांच के दौरान उनकी गाड़ी को रोककर जुर्माने की मांग की गई। शनिवार के दिन पोस्टमास्टर उपेंद्र कुमार अपनी गाड़ी के साथ कारगिल चौक पहुंचे थे, जब एक पुलिस अधिकारी अजीत कुमार ने उनकी गाड़ी को रोककर जांच शुरू की। गाड़ी से संबंधित कागजात दिखाने के बावजूद पुलिसकर्मी ने उनकी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाण पत्र फेल होने का हवाला दिया और 11,000 रुपए का जुर्माना लगाने की धमकी दी। पोस्टमास्टर ने पुलिस अधिकारी से उचित चालान काटने की बात कही, लेकिन पुलिसकर्मी ने उनसे 2,000 रुपए की रिश्वत मांगी। इस दौरान उपेंद्र कुमार ने पुलिसकर्मी को रिश्वत की रकम दी और चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तकरार के बीच पुलिस अधिकारी ने उपेंद्र से कहा कि प्रदूषण प्रमाण पत्र फेल होने के कारण 11,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और अगर बहस करेंगे तो 15,000 रुपए तक बढ़ जाएगा। जब उपेंद्र कुमार ने पोस्टमास्टर होने की बात कही तो पुलिसकर्मी ने जुर्माना कम करने का प्रस्ताव दिया और 5,000 रुपए में मामला रफा दफा करने की बात कही। पुलिसकर्मी ने उपेंद्र को गाड़ी थाने ले जाने और केस दर्ज कराने की धमकी भी दी। परेशान पोस्टमास्टर ने पहले 500 रुपए देने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मी ने मना किया तो 2,000 रुपए की मांग की। आखिर में उपेंद्र कुमार ने 2,000 रुपए देकर मामले को खत्म किया और पुलिसकर्मी का रिश्वत लेने का वीडियो बना लिया। इस मामले की शिकायत उपेंद्र कुमार ने संबंधित अधिकारियों से की है। ट्रैफिक DSP दीपक कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, जाँच की जा रही है, अगर आरोप सही पाए गए तो उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद शहर में अवैध वसूली के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। लोगों का कहना है पुलिस के ऐसे भ्रष्टाचार से आम जनता का विश्वास टूटता जा रहा है। प्रशासन से दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।